हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग आज का होने वाला है कि मैं 10 दिन के लिए विपश्यना मेडिटेशन में गया था। तो वो जगह कैसी है, क्या है और कैसे करना होता है वो इतने शॉर्ट में नहीं बता सकते, क्योंकि पूरा 10 दिन का मेडिटेशन रहता है, एक तरीके से मेडिटेशन बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मैं जहाँ पर रहा था वहाँ पर क्या टाइम टेबल था, क्या करना होता था और कैसी जगह थी। और मैं जो विपश्यना सेंटर में रुका था वो भरूच अंकलेश्वर के करीब उचेडिया एक गांव में स्थित है, यहाँ पे जो गुजरात इंडिया में है। देखते हैं यहाँ पे कैसा अभी डेवलप हुआ है और आगे क्या क्या होने वाला है। तो ये हमारा एंट्री गेट है जहाँ से एंट्री लेनी होती है, और इसके आगे जो गाड़ी आप देख रहे हो वो पार्किंग एरिया है। यहाँ पे अभी पूरा पार्किंग एरिया अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा काम चालू है। मैं आपको आगे बताऊँगा कि यहाँ पे रूम्स वगैरह भी बन रहे हैं, और रूम है बट और बन रहे हैं, ताकि और ज़्यादा लोग एक साथ मेडिटेशन कर सके, सीख सके। तो ये भी पार्किंग एरिया है। ये वाइट गाड़ी हमारी है जिसमें हम आए थे, और ये भी साधक है, मतलब ये भी मेडिटेशन करने आए थे भाई। और आगे ये आप देख लो रजिस्ट्रेशन, तो ये रजिस्ट्रेशन केबिन है, और डोनेशन लिखा हुआ है। तो डोनेशन क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों डोनेशन लिखा हुआ है। और ये एरिया है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बैठना होता है, और 10 दिन के बाद यहाँ पे पूरी एक सभा महफिल जैसी बैठती है जो बातचीत करते तब। और यहाँ के मैनेजमेंट जो करते वो ये अंकल है जो यहाँ का सब कुछ संभालते हैं। और आज 10वां दिन है, तो आज सुबह में ब्रेकफास्ट में खीर और पूरी होती है जो आप देख सकते हो। खीर और पूरी रखी है यहाँ पे, जिसको जो खाना हो जितना खाना, और दूध चाय है। और ये पर्दे के वो साइड लेडीज़ एरिया है जहाँ पे लेडीज़ लोग डिनर करते हैं। यहाँ पे पार्ट होते हैं, जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग होता है। तो ये पूरा डाइनिंग एरिया है जेंट्स लोगों का। और यहीं पे डे ज़ीरो यानी पहले दिन जब हम आते हैं तो हमको बताया जाता है यहाँ के क्या नियम है, क्या रूल्स है। ओके, और आप ये जो पर्दा देख रहे हो इसके पीछे भी लेडीज़ रूम्स है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि आप देखोगे तो आंटी उधर से ही आए हैं। तो ये जो आप दूर रूम देख रहे हो तो वो रूम सारे लेडीज़ रूम है, और वहाँ से यहाँ डाइनिंग एरिया तक चल के आना पड़ता है। और ये अब आपको मैं ले जा रहा हूँ जेंट्स रूम की तरफ, कि जो साइड जेंट्स रूम है। तो चलते आगे, ये सब मेडिटेशन करने आए थे वो लोग हैं। यहाँ पे 10 दिन रुकना होता है, 10 दिन के लिए मेडिटेशन होता है ये, जो 19 साल से बड़े हो उनके लिए। बाकी 13 साल से लेके 19 साल वालों के लिए 7 डेज का कोर्स होता है ये मेडिटेशन का। ये पर्दे के पीछे जो है वो लेडीज़ वॉकिंग एरिया है। और ये हमारा रूम स्टार्ट हो गया, मेंस रूम। यहाँ पर भी पौधे और वो सब कम है बाकी सेंटर के कंपेयर करें तो। और ये हमारा रूम है, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ इसमें एक फ़ैन होता है, नॉर्मल एसी वाले रूम होते हैं जिसको नीड होती है, जिसको नहीं चलेगा उसके लिए। तो ये रूम होता है सिंपल छोटा सा जिसमें सिर्फ सोना होता है, खाना भी नहीं होता है यहाँ पे। तो दो टेबल है, ये क्लीन बाथरूम दिया जाता है आपको, एकदम क्लीन एकदम व्यवस्थित, जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और 10 दिन आप रह रहे हो तो आपको ही इसको क्लीन रखना पड़ता है, और जब 10 दिन यहाँ से जाओ तो अपने को क्लीन करके जाना पड़ता है। ये हैंगर भी दिया हुआ है, और दरवाजे भी एकदम सेफ्टी है कि कोई जीव जंतु पेड़ पौधों में से नीचे ऊपर से आ ना पाए, ठीक है। और यहाँ पे प्लग भी था जो मैंने आपको बताया। तो ये हो गया रूम, अभी मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे सब लोग एक साथ मेडिटेशन करते, मतलब अपने रूम में नहीं करना होता मेडिटेशन, वहाँ पे जाके कुछ फिक्स टाइम है वो टाइमों पे मेडिटेशन करना होता है। वो टाइम टेबल में भी आपको बताऊँगा। ये कॉमन टॉयलेट है कि आपके रूम के टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आ सकते हो। और ये पानी पीने के लिए ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, और ऊपर जो हीटर लगा हुआ है आप देख सकते हो,
गर्म पानी का हीटर है, तो आपको जो पानी पीना हो पी सकते हो। और ये जो आ रहे हैं वो सेवक बोलते हैं जिनको, जो अपनी हेल्प करते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो चाहे कुछ चाहिए हो तो वो आपको हेल्प करते हैं वो चीज़ों के लिए। और ये टाइम टेबल लगा हुआ है बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले मैं कर आपको हॉल बता देता हूँ, साधना हॉल यानी मेडिटेशन हॉल, जहाँ पे मेडिटेशन करना होता है। तो ये जो जगह है, ये और रूम बन रहे हैं यहाँ पे जो मैंने दिखाया है उस टाइप के। और ये टीचर्स के रूम है साइड में, दो वाइट है वो, और उधर जो रेती पड़ी हुई है उधर और रूम्स डेवलप होने वाले हैं। तो हम हॉल देख लेते हैं पहले, मेडिटेशन हॉल। तो ये मेडिटेशन हॉल है और यहाँ पे आसन बोलते हैं जिसको, गद्दा बोल सकते हैं हम, वो पड़ा हुआ होता है जिस पर हमको बैठ के मेडिटेशन करना होता है। आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो साइज का गद्दा लेना हो, आसन लेना, आप ले सकते हो। यहाँ पे सब साथ में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। कुछ कुछ सेंटर्स में अलग अलग होते हैं हॉल जेंट्स और लेडीज़ के, बट अभी यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो साथ में ही है। मतलब जो साइड में खड़ा हूँ वहाँ पे जेंट्स लोगों का, और पट्टे के वो साइड यानी सेंटर के वो साइड ये जो है आप देख सकते हो ये लेडीज़ है। और यहाँ पे टीचर्स की कुर्सी है, और ये दो जो चेयर है वो मेन आचार्य की कुर्सी है जिसने विपश्यना मेडिटेशन को वापस इंडिया में लाया था। और ये आप देख सकते हो ऑफिस से कि कितना व्यवस्थित रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मेडिटेशन हॉल है जहाँ पे सब साथ में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। 10 दिन तक ये करना होता है, और कौन कौन सा टाइम पाना होता है मैं आपको बता देता हूँ वो भी। तो चलते हैं यहाँ से बाहर, देखते हैं टाइम टेबल। ये टाइम टेबल है, 4 बजे उठना होता है दोस्तों। हाँ, 4 बजे उठना होता है, 4:30 से 6:30, 2 घंटा साधना, मतलब पूरा टोटल टाइम आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ आपको पता नहीं चलेगा। बट ऐसे देखा जाए तो 10 से 11 घंटे हमको मेडिटेशन करना होता है पूरे दिन में, और 9:30 बजे सो जाना होता है। तो आप 4 बजे उठ सकते हो पूरी 7 6 7 घंटे की, 7 7.5 घंटे की नींद लेके, जिससे आप प्रॉपर अपना मेडिटेशन कर सको। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि नेचर में बीच के आप और ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हो। तो यही था भरूच विपासना सेंटर का टूर, और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और मुझे भी निकलना है यहाँ से, तो देखते हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।